Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं इस पतंग को उड़ाऊंगा और उसमें ये मांझा लगाऊंगा. तो ये पतंग जो है फ्रेंड्स, अधी की पतंग है, पौने की नहीं है. और अभी छत पे जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है काइट लड़ाने वाले आ गए हैं, क्योंकि 15 अगस्त ख़त्म हो गया है. तो अब बच्चे जो है कम पतंग उड़ाते हैं और बड़े ज़्यादा उड़ाते हैं. जो बड़े वाले बच्चे हैं मेरे जितने, वो ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं. और ये आगे ले जा करके लड़ाऊँगा और लड़ा करके आप लोगों को पेच वेच दिखाता हूँ कैसा लड़ता है. फ्रेंड्स, देखिए लड़ने जा रहा है. और जो रेड वाली पतंग है ये ऊपर वाली, ये मेरी है. ओपोनेंट नीचे से लड़कर नीचे से आ रहा है. और ओपोनेंट ये जो पेच है आपका ऑलमोस्ट 700 मीटर्स पे है. वो नीचे से घुस करके आया तेजी के साथ और काट दिया. फ्रेंड्स, वो देखिए उछलती हुई जा रही है और बहुत ही तगड़ा गद्दा पड़ा है उसको. काफी स्पीड के साथ गद्दा मारा मैंने. बहुत दूर पेच लड़ रहा है फ्रेंड्स, 700 मीटर पे पेच लड़ रहा है. फ्रेंड्स, अभी जो आपने पेच देखा उस पेच में क्या हुआ, ओपोनेंट जो है मेरे राइट हैंड साइड पे था और वो नीचे से लड़ा रहा था, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा जो है आगे से उड़ा रहा, तो इसलिए उसका नीचे से ही लड़ाना बनता था. और जब पेच सेट हो गया, जब दोनों पतंगें सही हो गई और उसके बाद जब खींचने की नौबत आई, फ्रेंड्स उसने क्या किया, उसने अपनी पतंग खड़ा ऐसे आसमान पर खींचा. और जबकि मैंने अपनी पतंग को थोड़ा सा हल्का सा टेपर और पूरा के पूरा पूरा मैं मारा उसको पूरा, क्योंकि उसने भी क्या किया था, मैं आपको बता दूं कि बड़े चलाकी के साथ उसने ऐसे जर्क मार करके डोर छोड़ा था. जैसे मैं मारता हूँ ना कभी कभी, झप मारता हूँ ना, तो उसने भी झप मारने की कोशिश करी थी. लेकिन फ्रेंड्स मैं रुका नहीं, अगर मैं रुक जाता तो मेरी पतंग कट जाती. और आपने देखा कि मैंने कितने नीचे तक गद्दा मारा और पूरा मारता ही चला गया. तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने ये पेच काटा. फ्रेंड्स, मेरी जो अब लड़ेगी वो उधर वाली पतंग से लड़ेगी. उस एक पतंग और बगल में खड़ी हुई है, वो देखिए ये जो चक्कर ले रही है पतंग, इससे लड़ेगी. और मेरी पतंग को तो आप लोग पहचान ही रहे हैं, ये रेड वाली पतंग मेरी है. और ये भी काफ़ी रेंज पे लड़ेगी, क्योंकि ये सब अच्छे लड़ाने वाले हैं, तो ये छोटी पेच नहीं लड़ाते, दूर लड़ाते हैं ये लोग. मतलब कम बहुत जो छोटी पेच लड़ाते हैं वो 400 मीटर से स्टार्ट करके आपका 1000 मीटर 1200 मीटर तक ये लड़ाने वाले सारे प्लेयर हैं. तो अभी लड़ने जा रहा है तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पेच को भी दिखाए. देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से भी लड़ने जा रहा है और पता नहीं ओपोनेंट कहाँ से लड़ाएगा, अभी पता लग जाएगा. ऊपर से लड़ाएगा कि नीचे से लड़ाएगा? नीचे से लड़ाएगा शायद. हाँ, नीचे से लड़ाएगा, नीचे से ला रहा है वो. आ गया नीचे से घुस करके काफ़ी. फ्रेंड्स कम पे निकल गई, अभी फिर से दोबारा लड़ेगा.
काफ़ी खड़ा पेच लड़ा रहा है फ्रेंड्स। वो भी घुसा, मैं भी, और काट दिया फिर फ्रेंड्स, काटा फिर से, काटा दोबारा, फिर काटा। वो काफ़ी घुस करके अंदर आ गया था। वो देखिए जा रहा है, फ्रेंड्स अभी जो आपने पेज देखा, इस पेज में भी जो मेरा ओपोनेंट था वो राइट हैंड साइड से उड़ा रहा था, मैं लेफ्ट हैंड साइड से। वो नीचे से आया फ्रेंड्स, और नीचे से आकर के पहले जब वो आया, उसने अपने जो है मुंह के पास से ही जो, मतलब मुंह के पास का मतलब ये है कि जहाँ से पतंग का कन्ना होता है उससे आप समझ लीजिए 25-30 मीटर मांझा और छोड़ करके, इसको हम लोग मुँह के पास से कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसने वहीं से खींचने की कोशिश करी और मैंने बहुत ज़बरदस्त गद्दा मारा, लेकिन फ्रेंड्स मेरी पतंग कम पे निकल गई। मेरे को आइडिया इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी पौने की पतंग होगी और मेरी अधी की पतंग है, इस करके मेरे को थोड़ा सा मैं गैस नहीं कर पाया और मेरी पतंग कम पे निकल गई। अगर मैं वहाँ पे पूरा गद्दा मार देता और मेरी अगर पतंग उसके पतंग के ठीक ऊपर होती तो फ्रेंड्स मेरी पतंग कट जाती। अच्छा हुआ मेरी पतंग जो है बच गई ऊपर से गद्दा मारने की वजह से। दोबारा फिर वो अंदर घुस करके आया, तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने अपनी डोर निकाल दी फ्रेंड्स। जो मेरी पतंग की पतंग जो कम पे थी और डोर निकालने की वजह से वो कमी पूरी हो गई और मेरी पतंग जो है आगे निकल गई उसकी पतंग से। और फिर क्या हुआ, उसने मेरे को आसमान पे जब चढ़ाया तब मैंने एक झूठा गद्दा मारा, तो उसने क्या किया भीतर का मुड्डा रख लिया, और भीतर का मुड्डा रख करके उसने क्या किया थपकी मारी जोर जोर, लेकिन मैंने वहाँ पर खींचा नहीं। फिर जैसे ही उसका पतंग का मुँह सीधा हुआ, फिर मैंने पूरा के पूरा फिर से मारा, बैंग ऐसे कट करके निकल गई। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि अब जो पेच लड़ेंगे, जो अब हमारे छत से काइट फाइटिंग होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी समझ लीजिए अप्रैल मई महीने तक, अब 2022 तक सब बहुत अच्छे प्लेयरों से लड़ेगा। अब जो छतों पे पतंग लड़ाने वाले हैं, जो सीजनल पतंग लड़ाते हैं, जैसे 15 अगस्त पे लड़ाते हैं बच्चे वगैरह, वो बहुत कम आते हैं छत पे, लेकिन अब जो छत पे प्लेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें से काफ़ी सारे क्लब वाले भी हैं वो भी छत से लड़ाते हैं इस टाइम, क्योंकि दिल्ली में ग्राउंड्स के अंदर तो पानी भर गया है। सारे ग्राउंड्स जहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग होती है तो पानी भर गया, इस करके जो है ग्राउंड्स की क्लब काइट फाइटिंग अभी बंद है, तो इस करके क्लब में जो लड़ाने वाले हैं वो लोग छत से ही लड़ा रहे हैं। तो अभी जो मेरा जो सामना हो रहा है, जो मेरा पाला पड़ रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ पड़ रहा है और बहुत अच्छा लड़ाने वालों के साथ पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल मेरे को जो अलर्ट होकर के लड़ाना पड़ रहा है, और बिल्कुल जो ये समझ लीजिए ऐरे गहरे नत्थू घेरे वाला बात नहीं है, इसमें सब जो हैं एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत अच्छा लड़ा रहे हैं। तो अभी अगला पेज भी आप देखिएगा, अगला पेज भी हमारा बहुत ही दूर लड़ेगा, इससे भी दूर लड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पतंग चक्कर ले रही है ये मेरी है और ओपोनेंट की उस साइड पे है। अभी मैं और थोड़ा सा डोर निकाल रहा हूँ, अब सही है फ्रेंड्स, अब लड़ेगी पेच, आप देखते रहिए। अब मेरी पतंग ऊपर से लड़ेगी, ओपोनेंट नीचे से आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ, दौड़ाया उसने। काफ़ी चढ़ा के लड़ाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स वो। मेरे को और भी डोर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो चढ़ा के लड़ा रहा है फ्रेंड्स, इस करके मेरे पतंग को पार रखना ज़रूरी है। छोटा लड़ते लड़ते 400 मीटर से लड़ते लड़ते फ्रेंड्स फिर 700 मीटर पे पहुंच गया। वो फिर चढ़ा के खींचने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। नहीं, वो चढ़ा करके फ्रेंड्स खींच लेने की कोशिश कर रहा है ऊपर ही ऊपर आसमान में।
अब मैं भी चढ़ाऊँ, अब प्रॉपर है। और वो हमारा फ्रेंड्स फिर से उसको, और वो देखिए जा रही है पतंग उसकी। दो तीन बार उसने कोशिश करी ऊपर चढ़ा करके काटने की, लेकिन नहीं काट पाया। फ्रेंड्स अभी इस पेज में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इस पेज के अंदर वो मेरे को आसमान में ही, यानी मेरे को मेरी पतंग के नीचे टहलाता टहलाता वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा रहा था, और मैं समझ गया ये मेरे को आसमान में ही खींचना चाह रहा है। और उसने दो तीन बार कोशिश किया मेरे को आसमान में ही ऊपर चढ़ा करके खींच लेने के लिए, ताकि मेरा गद्दा जो है उसके ऊपर पड़ ना सके। लेकिन फ्रेंड्स मैंने क्या किया, फिर अपना मुड्डा बचा करके अपनी पतंग को बाहर निकाल लिया, और मैंने और दौड़ दे करके लंबी कर दी। और जो पेज 400 मीटर पर लड़ रहा था फ्रेंड्स, वो 700 मीटर क्रॉस कर गया। फिर वहाँ पर जा करके मैंने फुल उसके ऊपर चढ़ गया, और वो भी अंदर घुस करके आया। तो इस बार जैसे उसने चढ़ाने की कोशिश करी, मैंने वहीं से एकदम टेपर गद्दा मारा, और ज़बरदस्त गद्दा पड़ा तो उसकी पतंग उछल करके निकल गई। अभी देखिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया, अगर एक पेच लड़ा तो लड़ा दूंगा, नहीं तो मैं पतंग उतार लूंगा। फ्रेंड्स देखिए आज का ये लास्ट पेच लड़ने जा रहा है, और क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा। डोर निकाल रहा हूँ मैं भी, और वो भी डोर निकाल रहा है फ्रेंड्स, और शायद अब मैं नीचे से लड़ाऊंगा। हाँ मैं नीचे से लड़ाऊंगा, वो ऊपर से लड़ाएगा। अभी ये लास्ट पेज देखिए आप, ओहो कट गई फ्रेंड्स, मेरी पतंग कट गई लास्ट पेज पे, बहुत अच्छा काट दिया उसने। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये वाला मेरा पेच कैसे कटा। फ्रेंड्स इस बार मेरे को नीचे से लड़ाना था, हुआ ये कि मेरे को एक बार मौका मिला था फ्रेंड्स, मैंने उसको चढ़ा करके खींचा था, फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में ना, थोड़ा सा बस यही माइंड मेरा थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हुआ, माइंड थोड़ा सा इधर उधर हुआ। मैंने सोचा कि एक बार बचा करके फिर खींचता हूँ, और फ्रेंड्स जब मैंने बचा करके दोबारा खींचा ना, तब मेरी पतंग ढीली पड़ गई फ्रेंड्स, और ढीली पड़ने की वजह से उसने अपना पतंग खड़ा रख दिया, और खड़ा रख करके उसने शायद थपकी मारी होगी, इस करके मेरी पतंग कट गई। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज का ये वीडियो बंद करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बोलना, मेरे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन गोजी, यही नाम है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।